नाम है आपका? हैदरी बेगम। क्या हुआ खाला, पोली चौकी में क्यों आ रहे आप? मैं सुना कि आई 10,000 रुपये ली उससे, इन्हें कुछ चाहिए ज़रूरत है, वो दिया 10,000 रुपया। उसके बाद मैं निकली स्टोर पे, गई दवा लेने, एक लड़का मेरे साथ आया, बोला तुम्हारा पैसा गिर गया 2,000-3,000। मैं बोली नहीं, बोला नहीं देखो, मैं इसे देख चैन खोली, बोला नहीं निकालो, बस मेरा हाथ से लिया, पेपर में लपेट के लेकर चला गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, लड़के से कुछ ना चिल्ला पाई ना कुछ कह पाई। हाँ बोलो खाला, क्या हो गया? सुना किया मैं गई 10,000 रुपये ली उसे, मैं बोली कि मेरे को गोली खाली करना पहली तारीख पे, तो बोला ठीक है आंटी, 15,000 नहीं दे सकती, 10,000 का सामान आपका है। मैं बोली भैया दे दो। मैं निकली वहाँ से स्टोर पर, आई दवा ली इस तरह की, वो लड़का बोला तुम्हारा पैसा स्टोर पे, स्टोर क्या गिरा एक औरत उठाई। मैं बोली नहीं, बोला पर्स खोलो, मैं पर्स खोली, अपने पैसा निकाला, मेरा हाथ लिया, उसके बाद पेपर में लेके भाग गया लेट के। मैं कुछ कह नहीं पाई। आपने सुनार के पास कुछ सामान गिरवी रखा? सुनना, जेवर रखी हूँ। जेवर रख के आपने पैसा लिया? लिया। आपको घर की भाड़े की घर की जरूरत थी? हाँ। इसलिए आपने सोना गिरवी रख के पैसा लेने की कोशिश की? हाँ। आपने पुलिस चौकी में FIR दर्ज कराया? हाँ। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि मिल जाएगा, मिल जाएगा बोले। हाँ, मगर पुलिस वाले से मेरी लड़की की सीरियस थी ना, तो सोना सुनार किया, पहले पैसा मैं ली थी तो उसका पैसा तो दूसरे को देना था, तो अब भाड़े वाली जो है तो भाड़ा कर गया, तो वो अब भाड़ा अरे खाली करो, तो मैं दूसरे को जिसका तबीयत मेरी लड़की की कराती सीरियस थी, तो मेरी लड़की का एक्सीडेंट नमाज तो हो गया बेटा, 3 साल की शादी में इतने लखनऊ से मैं लड़की लेके आई हूँ, तो बच्चा पेट में था, बच्चा गार्ड बन गया, खराब हो तो भर्ती थी, तो जेवर पहले मैं रखी थी, इसमें पैसा दीजिए को अभी देखा कितना दिया है, तो लिखा था फिर दोबारा ये पैसा लिखने, तो भाड़ा देना था उसको, वापस करना जितने थी तो 21,000 में पहले रखी थी, फिर 10,000 वापस, फिर 8,000 लेके जा रही थी।